नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ार में। आज हम लोग बात करेंगे गोयल एल्यूमिनियम की। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कमेंट, कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर शेयर वापस आ गया है और ये वापस से दिखने लगा है और ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग जो मंडे से है वो शुरू हो जाएगी। तो क्या वाकई में ऐसा है और क्या सारी संभावनाएँ हैं? और यहाँ एक सेबी का नया नियम भी आया है जो पेनी स्टॉक्स को लेकर है और वो 5 जून से इम्प्लीमेंट भी हुआ है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या उसके जद में तो नहीं आ गया गोयल। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वाला जो वीडियो है ना मेरा गोयल एल्यूमिनियम वाला, मैंने डाला अभी परसों डाला है, जिसमें मैंने बताया है प्राइस कॉल एक्शन में शिफ्ट हुआ है ये गोयल एल्यूमिनियम। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा या ये वीडियो देखने के बाद वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। शेयर स्मॉल में BA++ कैपिटल में लिख के सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको सारे वीडियोस के मेरे लिंक मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ। तो यहीं पर मैंने वो जो मैंने बताया ना पीछे वीडियो, वो उसमें उसका लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा, या चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी अभी अडानी पर मैंने वीडियो डाला है एंटरप्राइजेस पर, बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। ऑनलाइन जो ट्रेन टिकट बुकिंग होता है उसको भी यहाँ पर एक्वायर किया इन्होंने, कंपनी को 100% शेयर जो है उसके खरीदे हैं इन्होंने, तो वीडियो जाके देखिए ये वाला, और बाकी सारे भी काम के वीडियो इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हो सकता है आपको ये मंडे से ट्रेडिंग होते हुए दिखेगी, लेकिन मंडे से नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए नहीं दिखेगी। मंडे से हो सकता है ट्रेडिंग आपको जो दिखे वो दिखेगी पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, जिसमें पीरियोडिक कॉल ऑप्शन क्या होता है, क्या उसके सेशन होते हैं, कैसे घंटे घंटे ट्रेडिंग होती है, कैसे कॉलर जो मतलब खरीदना और बेचने के लिए कैसे लिमिट ऑर्डर ही लगते हैं, वहाँ पर कैसे 1 घंटे के बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जल्दीबाजी मत करिएगा मंडे को, हो सके तो रुक जाइएगा, खरीदना बेचना मत करिएगा, एक बार और स्टडी कर दीजिएगा मुझे, मैं आपके सामने सारी डिटेल लेके आऊँगा। क्योंकि यहाँ पर पेनल्टी भी इम्पोज़ की जाती है, लगभग 5,000 तक की पेनल्टी भी लगती है अगर आपने कुछ गलत ट्रेड किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं सबको वॉच करने के लिए जो ऑपरेटर्स हैं और ये इलिक्विड लिक्विड स्टॉक, जिनमें यानी कि मैंने उसमें क्राइटेरिया भी बताया है, वो यहाँ नहीं बताऊँगा नहीं तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो वहाँ मैंने क्राइटेरिया भी बताया कि किन स्टॉक्स को यहाँ पर प्राइस कॉल ऑप्शन के तहत में डाल दिया जाता है और ये इसको डाल दिया गया है। तो जो सेबी का नया नियम आया वो तो अभी हम देखेंगे और उसको जानेंगे कि क्या उसके तहत भी ये फंसा है। मेरे हिसाब से तो नहीं फंसा, मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी अभी आप जो नियम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो अपर प्राइस बैंड है उसको 2% पर सिर्फ शिफ्ट कर दिया गया है और लोअर प्राइस बैंड जो है गोयल का इसको भी 2% पर शिफ्ट कर दिया गया है, ये हम देख ही चुके हैं। और उस वीडियो में हम लोग प्राइस कॉल ऑक्शन के अंदर आने का रीज़न देख चुके हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये बाहर कैसे आता है ये देखिए। यहाँ पर लिखा फर्दर स्क्रिप्ट विल बी मूव्ड आउट फ्रॉम पीरियोडिक कॉल ऑक्शन इफ़ द फॉलोइंग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आर मेट, यानी कि ये सारे जब क्राइटेरिया मेट हो जाएंगे तो इससे ये बाहर आ जाएगा। देखिए गाइस, एनएससी की साइट से ही मैंने लिया है, आप लोग डाटा वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि मैंने आज मैं जनरली वीडियो नहीं देखता हूँ, लेकिन आज मैंने कई गोयल एल्यूमिनियम पे वीडियो देखे जिनके मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और वो कई सारी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, खैर उन पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं, देखिए क्या है। पहला, स्क्रिप्ट विद एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 100 करोड़, बिल्कुल 100 करोड़ से ऊपर का कैपिटलाइजेशन हो मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसका लगभग 200 करोड़ का है, तो ये ठीक है, क्राइटेरिया होता है, मीट करता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे स्क्रिप्ट वेयर कंपनी इज पेइंग डिविडेंड इन एटलीस्ट 2 out of last 3 years, पिछले 3 सालों में से कम 2 सालों में डिविडेंड दिया होना चाहिए। और क्या क्राइटेरिया है इससे बाहर आने के लिए प्राइस कॉल ऑप्शन से, कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो एटलीस्ट 2 साल, पिछले 3 सालों में कम से कम 2 साल कंपनी प्रॉफिटेबल हो और 20% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग प्लेज ना हो। और देखिए क्या क्राइटेरिया है, कि इन द लास्ट क्वार्टर एंड बुक वैल्यू इज 3 times और मोर देन द फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू से 3 गुना या उससे ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए। इस केस में अगर आप देखेंगे गोयल के जाके फंडामेंटल्स देखेंगे, अब मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि लगभग सेम चल रहा है, 1 और 1 point कुछ चल रहा है, तो यानी कि 3 गुना, ये वाला क्राइटेरिया फिलहाल फॉलो नहीं करता है। हम लोग बात करते हैं जो उसका नया नियम आया है सेबी का, देखिए 5 जून का लेटर है और यहाँ पर देखिए क्या मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस में जो कंपनीज ट्रेड होती हैं माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज अंडर इनहेंस्ड सर्विलांस फ्रेमवर्क, यहाँ पर एक अलग से सर्विलांस रखा जाएगा सेबी के द्वारा जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, समझ बात को, तो सेबी अब उन पर अलग तरीके से नज़र रखेगा, जिसके चलते मंडे को बहुत बड़ा फॉल भी देखने को मिला, यानी कि ये देखिए 5 जून के बाद जो मंडे आया होगा, इस मंडे की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप बात को। तो इसको हम पूरा एक बार देख लेते हैं कि क्या इसके तहत भी गोयल तो नहीं फंसा है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही मैंने जो आपको बताया 500 करोड़ से जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है विल बी मूव्ड इनटू सर्विलांस अंडर 2 stages, बिल्कुल यहाँ पर 2 stages होंगी बेस्ड ऑन मूवमेंट एंड क्राइटेरिया सेट फॉर द सेम, जो भी क्राइटेरिया इनके लिए बनाया हो गया मूवमेंट के हिसाब से और लिक्विडिटी के हिसाब से प्राइस वॉलीटिलिटी के हिसाब से
दो स्टेजों में इनको बांटा जाएगा, जो यहाँ पर फ्रेमवर्क होगा इनका एडिशनल फ्रेमवर्क जो होगा। और इसमें देखिए लगभग जो बीएससी में 50 स्टॉक लगभग 5-13% गिरे थे जब ये सर्कुलर आया था, जो पेन स्टॉक्स थे लगभग लगभग, ठीक है। अब इनमें ये स्टॉक्स के नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, सबको नहीं बताऊँगा फिलहाल। यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक्स लगभग ऐसे गिरे थे, और देखिए क्या किस तरीके से इसको इसका जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो स्टॉक्स विल बी पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर मिनिमम पीरियड 90 डेज, बिल्कुल 90 दिन के पीरियड के अंदर रखा जाएगा इसको फ्रेमवर्क में, और दो स्टेजेस होंगी। स्टॉक्स विल बी रिटेन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ, बिल्कुल कम से कम 1 महीने के लिए तो रखा ही जाएगा, यहाँ पर जो एनएससी का सर्कुलर था वो बता रहा है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं फिर सर्कुलर डाउनलोड करके प्रॉपर जो सर्कुलर में लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो द स्टॉक कंप्लीटिंग 90 कैलेंडर डेज, यानी कि 90 कैलेंडर दिन जब हो जाएंगे तो फ्रेमवर्क द फ्रेमवर्क विल बी एलिबल फॉर स्टेज वाइज एग्जिट, यहाँ पर फिर स्टेज के हिसाब से उसको एग्जिट किया जाएगा। गाइस जैसे ASM और GSM लिस्ट नहीं होती है, जिस तरह से गाइस जैसे उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक 4 तक भी होती हैं, तो जैसे स्टेजेस में आगे जाता है वैसे उसको स्टेजेस से बाहर भी निकाला जाता है। तो उसी तरीके का कुछ यहाँ पर एडिशनल फ्रेमवर्क ये लोग लेके आए हैं। सब्जेक्ट टू सच सिक्योरिटीज नॉट मीटिंग द एंट्री क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन द फ्रेमवर्क, बिल्कुल यहाँ पर जो सर्कुलर में लिखा है उसके हिसाब से जो भी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से फिलहाल सारा कुछ ये सेट करेंगे और उसको धीरे धीरे एग्जिट करेंगे स्टॉक को। और यहाँ पर भैया बताया जा रहा है कि जो इस तरीके के स्टॉक्स होंगे वहाँ पर 100% आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और दूसरा जो एक्सचेंजेस ने कुछ पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, और जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होते हैं उनको, उन स्टॉक्स को इसके तहत नहीं रखा है, उससे इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए क्लियर कट बता रहे हैं कि जिन स्टॉक्स में अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है उन स्टॉक्स को इसमें रखा जाएगा, विच विल हेल्प इन बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिल्कुल यहाँ से आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने को में सहायता मिलेगी, एंड ऑल्सो कर्व लॉसेस फॉर इन्वेस्टर्स। तो जो यहाँ आप लोग जैसे हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं खूब लॉस उठाते हैं पैनी स्टॉक्स में फंस के, तो उस पर फिलहाल यहाँ पर आपको सेविंग की नज़र रहेगी। और ये मूव आया क्यों है यहाँ पर बता रहे हैं गाइस, ये मूव इसलिए आया क्योंकि जो अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी के जो स्टॉक्स एकदम क्रैश हो गए थे, धराशायी हो गए थे, उसके चलते यहाँ पर आपको ये मूव देखने को मिला है और सेबी ने ये नया नियम बनाया है। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरी सलाह फिलहाल आपको यही है गाइस, देखिए मानना ना मानना आपके ऊपर है, आप लोग मंडे को जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर मंडे को ट्रेड होता है तो मेरे हिसाब से प्राइस कॉल ऑप्शन के तहत ही ट्रेड होगा, जहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स ही लगेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पुराना वाला वीडियो जो मैंने डाला है ना प्राइस कॉल ऑप्शन वाला, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। अगर उसके तहत ट्रेडिंग होती है तो एक एक घंटे के यहाँ पर स्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर 45 मिनट ऑर्डर्स लगते हैं, फिर लास्ट के 7 मिनट कूलिंग पीरियड होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा, एटलीस्ट एक दिन तो मंडे को देख लीजिए, देख लें दीजिए कि क्या होता है। मैं भी थोड़ा और स्टडी कर रहा हूँ, मैं जितनी भी सारी चीज़ें हो रहा है सब तरफ से ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने लाने की, और जो एग्जैक्ट डाटा होता है एनएससी की बीएससी की साइड से सर्कुलर्स पढ़ रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपसे रिलेटेड है, अननेसेसरी का स्टफ मैं लेके भी नहीं आता हूँ। खैर तो आप लोगों से यही मेरी सलाह है कि मंडे को जल्दीबाजी मत करिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा आपका कहीं नहीं फंसा है, पैसा डूबा नहीं है। जो अगर स्टॉक डीलिस्ट होता है तो डीलिस्टिंग के बाद फिर यहाँ पर आप मान के चलिए कि हाँ भैया कंपनी डूब गई, पैसा आपका मर गया, लेकिन सस्पेंशन ट्रेडिंग में कई सारे स्टॉक्स में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें प्राइस कॉल ऑप्शन में डाला है ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल ये जो अननेसेसरी के जो ऑपरेटर्स एक्टिवेट हो रखे हैं उनको कर्व करने के लिए सारी चीज़ें सेबी के द्वारा करी जा रही हैं। चलिए गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे भी अपडेट वगैरह कोई आएगी तो मैं आपको देता रहूँगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं जनरली डाल देता हूँ वहाँ पर, है ना। चलिए धन्यवाद।